हेलो हाय नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं द हिंदू के न्यूज एनालिसिस प्लेटफॉर्म पे रॉयल आईएएस की तरफ से, रॉयल एस एकेडमी की तरफ से अपन डिस्कस करते हैं उन न्यूज आर्टिकल्स को जो या तो यूपीएससी के व्यू से इम्पोर्टेंट है या अदर स्टेट पीसीएस के व्यू से इम्पोर्टेंट है। इन डेप्थ स्टडी करते हैं और आप सबसे ये आप सबको मैं एडवाइस देता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें आपके मन में आती है तो आप कमेंट में करके जरूर इंक्वायर करें उसका। आज का सबसे पहला और बहुत ही हिस्टोरिक न्यूज है कि गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेच दिया है। आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, अगर टेक्निकली कहें तो दो चीज़ें हैं। क्या एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट किया गया है, क्या एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया है, दोनों दो चीज़ें होती है। अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट 50% से कम का अपना स्टेक नहीं रखती है। सपोज कीजिए एयर इंडिया की कीमत है 100 रुपया, तो गवर्नमेंट का अगर 49 रुपया शेयर हो जाएगा तो वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, वो प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट का 50 या उससे ज्यादा रुपया उसमें लगा हुआ है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेक 50% से कम कर लिया है। एयर इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने कंप्लीटली सेल कर दिया एयर इंडिया को। इसके दो बीडर आए थे, स्पाइस जेट नहीं बीड कर पाया, जीत पाया इस बीड को, और टाटा 18,000 करोड़ की बोली लगाकर इसे जीत गया है। यानी एयर इंडिया को अब टाटा ऑन करता है। एक्चुअली जब 1932 में जब एयर इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था तो एक्चुअली इसका नाम था टाटा एयरलाइंस, और एस्टेब्लिशर भी टाटा वाले ही थे, जेआरडी जहांगीर टाटा थे। उन्होंने सेकेंड हैंड एक फ्लाइट खरीद करके और इसकी शुरुआत की थी, केवल 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके। ये 1932 की कहानी है। आगे चल करके 1953 में गवर्नमेंट ने ये जितने भी फ्लाइट कैरियर थे कंट्री में सबका रेगुलेशन अपने हाथ में ले लिया, जिसे कि हम नेशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आपने बैंक का भी नेशनलाइजेशन सुना होगा। तो 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया, आप ऐसा कह सकते हैं। 2011 तक एक कंपनी हुआ करती थी इंडियन एयरलाइंस, जो 2011 के बाद बंद हो गई। 2011 तक इंडियन एयरलाइंस का पार्ट हुआ करता था एयर इंडिया। ये तीन डेट इंपॉर्टेंट है प्री में फैक्ट के हिसाब से। ये 1932 कई बार स्टेट पीसीएस में और एक बार यूपीएससी ने हाल फिलहाल में पूछा हुआ है कि एयर इंडिया एस्टेब्लिश कब किया गया था, एयर इंडिया ने अपना ऑपरेशन शुरू कब किया था, तो वो ईयर है 1932। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन एयरलाइंस, इंडिया में जितने भी ये फ्लाइट कैरियर्स हैं, इनको नेशनलाइज कब किया गया था फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर होगा 1953। बात करें हम आज के न्यूज आर्टिकल की, तो 18,000 करोड़ जो गवर्नमेंट को मिलने वाला है वो ऐसा नहीं है कि कैश में मिल जाएगा। गवर्नमेंट जब टाटा को लेटर ऑफ इंटेंट प्रोवाइड करवाएगी, आज करे कल करे जब भी करे, दिसंबर तक का टारगेट है उनका ट्रांसफर करने का कंप्लीट ओनरशिप, टाटा केवल 2700 करोड़ रुपया देगी गवर्नमेंट को कैश में, 2700 करोड़। बाकी के 15,300 करोड़ रुपीज टाटा पर डेब्ट रहेगा, कर्ज रहेगा। ये डेट कब चुकाएगा टाटा, ये एक अलग एग्रीमेंट साइन होगा कि वो कितने सालों में उनका इंटेंशन है पे करने का, वो पे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो हमें अगर ऐसा लग रहा है या पब्लिक को ऐसा लग रहा है या एज ए स्टूडेंट आपको ऐसा लग रहा है कि अब एयर इंडिया कंप्लीटली टाटा का हो गया क्योंकि टाटा ने 18,000 करोड़ रुपए दे करके खरीद लिया, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन ये जितने भी इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं इसके बाद, मर्जर के बाद, एक्विजिशन के बाद, उसकी देन है कि आप इसके इनर सर्कल में जाकर के देखें कि एक्चुअल में सीन के बिहाइंड क्या है। तो सीन के बिहाइंड ये चल रहा है कि 18,000 करोड़ में से केवल 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलेगा अभी,
और 15,300 करोड़ रुपए टाटा पर कर्ज होगा। बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सेकेंड अटेम्प्ट 100% स्टेक सेल करने के लिए जनवरी 2020 में। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का तीसरा आप कह लें ट्रायल था एयर इंडिया को बेचने का, और थर्ड टाइम सो कॉल्ड गवर्नमेंट पार्शियली सक्सेसफुल है। बाकी चीजें भी इसमें आपको बहुत सारी मिल जाएगी। यहाँ देखिए 1953 ईयर मेंशनड है, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था एयर इंडिया को। 1932 में सबसे पहले जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से इसे शुरू किया था। 2007 में एयर इंडिया मर्ज हो गया था इंडियन एयरलाइंस के साथ, लेकिन 2011 में इंडियन एयरलाइंस खुद सीज हो गया था, वो बंद कर दिया था काम करना। कुछ और इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है आपके प्री के हिसाब से और मेंस में इकोनॉमी का अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके हिसाब से, वो ये है कि डोमेस्टिक अगर हम एयर कैरियर की बात करें तो सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक एयर कैरियर है वो है गो एयर। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि 18,000 करोड़ में बिका है तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर इंडिया सबसे बड़ा होगा, नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया में एयर इंडिया जरूर सबसे ज्यादा स्टेक रखे हुए है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर गो एयर का है 54% से ज्यादा है। गो एयर डोमेस्टिक सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और एयर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो एयर इंडिया के लिए ये न्यूज है अपने पास और काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट क्वेश्चन पहले भी बनते रहे हैं, यूपीएससी में कई बार ये 1932 मेंशन हुआ है, स्टेट पीसीएस में मेंशन हुआ है, ये मर्जिंग और नेशनलाइजेशन मेंशन हुआ है, 2011 का इंडियन एयरलाइंस का सीज में आना, काम ना करना, इफेक्ट में नहीं रहना कई बार मेंशन हुआ है। तो ये सारी चीजें याद रखें। कुछ और रिलेशंस अगर इसमें आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आपको सर्च करना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये इन्वेस्ट किसने किया? क्या प्रधानमंत्री ने कहा टाटा वाले को बुलाया, बोला कि इतने पैसे दो ले जाओ? नहीं, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है दीपम, DIPAM। इससे भी क्वेश्चंस काफी बनेंगे और बनते रहे हैं, आप मेंस के लिए भी आर्टिकल यहां से यूज कर सकते हैं। दीपम का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, करेंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और ये दीपम का ही काम है कि किस कंपनी को बेचना है, किस कंपनी को खरीदना है, किसका किसको कितना डिसइन्वेस्ट करना है। ये दीपम का काम है, गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट में एग्जीक्यूटिव एक्शन आप कह सकते हैं दीपम लेता है। दीपम के सेक्रेटरी ही एयर इंडिया का इंटेंट जो लेटर देंगे वो टाटा वाले को प्रोवाइड करवाएंगे। दीपम 10 दिसंबर 1999 को एस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट, और बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ले आया गया 1999, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। क्वेश्चंस कभी कभी बहुत घुमा फिराकर पूछे जाते हैं कि उस टाइम पे पीएम कौन थे। थर्ड थिंग, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों इस टर्म में अलग अलग चीजें हैं कि अगर गवर्नमेंट 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग बेच देती है तो वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। 50% से ज्यादा अगर बेच दे, सपोज कीजिए एयर इंडिया की कीमत है 100 रुपीज और गवर्नमेंट ने उसमें से 51 रुपीज किसी और को शेयर दे दिया तो एयर इंडिया प्राइवेटाइज माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट एयर इंडिया का 50 से कम परसेंट सेल करती है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सो दीज टू टर्म्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन एक ही होगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। प्राइवेटाइजेशन मतलब 50% से ऊपर, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब 50% से कम। ये तमाम चीजें एयर इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल के लिए था। और आज का सबसे बिग बिग न्यूज है नो डाउट फॉर एवरी एस्पेक्ट, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर कॉर्पोरेट्स, फॉर राइटिंग मेंस प्री और अपीयरिंग इन इंटरव्यू।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जहां ये मिला मेंशन किया हुआ है कि इंडिया चाइना पेट्रोल्स फेस ऑफ इन तवांग। ये तवांग कहां पड़ता है? तवांग पड़ता है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग। अगर रफली ये अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर तवांग है, जिसके कि साउथ वेस्ट में भूटान है, यहां पर भूटान है, ये आपका तवांग एरिया है। तवांग में तवांग मॉनेस्ट्री भी है जो 400 साल पुराना है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड काफी सेलिब्रेटेड मॉनेस्ट्री है बुद्धिस्ट का। तो साउथ वेस्ट में भूटान पड़ता है और नॉर्थ में तिब्बत पड़ता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि तिब्बत और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एलएसी है। अभी इस एलएसी पे ही सारे झगड़े होते हैं इंडिया चाइना के बीच में। तवांग एक वैली भी है जहां पे मोनप्पा ट्राइब जो भी आप प्रोनाउंस करें, ये वहां पे डोमिनेटेड ट्राइब है तवांग वैली में। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक वैली है जो तिब्बत और भूटान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर एक 400 साल पुरानी तवांग मोनेस्ट्री है। कई बार ये फैक्ट्स देखने को मिले हैं पेपर्स में। मोनप्पा ट्राइब यहाँ की डोमिनेटेड ट्राइब है। बात करें हम इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो इंडिया और चाइना लगभग 3800 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर बांग्लादेश। आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ 4000 से ऊपर का किलोमीटर शेयरिंग है और ओवरऑल इंडिया का जो लैंड शेयरिंग है 15,000 किलोमीटर से ज्यादा का है, लैंड बाउंड्री मैं कह रहा हूं। टोटल 7 कंट्री हैं जो इंडिया के बॉर्डर को टच करते हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये इंडिया से वाटर बॉडीज के थ्रू कनेक्टेड हैं, ये इंडियन लैंड को टच नहीं करते। अगर इंडियन लैंड बाउंड्री देखा जाए तो केवल 7 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। सबसे कम लैंड शेयरिंग अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 106 किलोमीटर का, उसके बाद भूटान की बारी आती है। फर्दर इससे पहले गलवान वैली का फेस ऑफ आ चुका है न्यूज में, अभी तवांग चल रहा है। तो तवांग का लोकेशन, यहां से निकलने वाले रिवर्स, यहां पे रहने वाली ट्राइब्स, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इंडिया और चाइना के बीच का हिस्टोरिकल रिलेशन, ये सारी चीजें हमें फोकस करनी चाहिए एटलीस्ट वंस। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि एससी फ्लैग्स कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम हो, डिजिटल डिवाइड आज के टाइम में एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बन करके आ रहा है। डिजिटल डिवाइड चीजों को इंप्लीमेंट होने से लिटरली रोक रहा है कहीं ना कहीं। आज हम देखेंगे कि डिजिटल डिवाइड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम चलाए थे, क्या कुछ प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का। जी हाँ, एक स्कीम है या प्रोग्राम है, नाम है उसका डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ये 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ऑब्वियसली प्री के लिए लॉन्चिंग डेट इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए डिजिटल इंडिया का मिशन इंपॉर्टेंट है, जिसके इनसाइड में वो सारी चीजें आ जाएगी जिसमें गवर्नमेंट फाइबर नेटवर्क बिछा रही है गांव-गांव को कनेक्ट करने के लिए। 22 का टारगेट रखा हुआ है कि हर गांव को 100 एमबीपीएस का नेट देंगे हम। आपने हाल ही में देखा होगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों जगह पे गवर्नमेंट ने फाइबर ले गए, यहां से एक चाइना से, एक चेन्नई से और दूसरा इधर अपने जो साउथ वेस्ट में है वहां से लक्षद्वीप तक। तो इनके लेंथ, स्टेट पीसीएस को बहुत इंटरेस्ट है इनके लेंथ जानने में कि अंडमान निकोबार में कितना लेंथ है या कितना बजट है उसका, और लक्षद्वीप में कितना लेंथ है और कितना बजट है। ये सब डिजिटल इंडिया का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस ही बात है गार्जियन है जुडिशियल, एज वेल एज अगर कोई पीआईएल आता है इनके पास तो वो इस पे कमेंट करते हैं,
किस चीज में कमी है। आज उन्होंने डिजिटल डिवाइड को टारगेट किया, यानी डिजिटल इंडिया को टारगेट किया हुआ है। और अदर इंफॉर्मेशन आप डिजिटल इंडिया टाइप करके आप गूगल से ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मिशन इसका कब लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हर एक आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। किसी भी ऐसे आर्टिकल पे हम अपना टाइम वेस्ट ना करें जिसमें हमें लगेगा कि हमने अपना सब कुछ दिया और हमें कुछ सीखने को मिला, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा आर्टिकल आया है, बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड हो पाएंगे। आर्टिकल है कि फोर फोल्ड राइज इन इंस्पेक्शंस इन इंडस्ट्रियल एरियाज। हाल के दिनों में गवर्नमेंट ने थ्री लेबर रिफॉर्म्स लाए थे, आपको याद होगा। इन लेबर रिफॉर्म्स में इंस्पेक्शंस को लेकर के काफी हंगामा हुआ था कि जो इंस्पेक्टर है उसे फैसिलिटेटर कर दिया गया है। जो इंस्पेक्टर टर्म यूज होता था वो अब फैसिलिटेटर कर दिया गया है। ये केवल वही लोग बता सकते हैं जो उस तीनों बिल के गो थ्रू गए हैं, अदरवाइज आज भी वो इंस्पेक्टर को केवल और केवल इंस्पेक्टर कहेंगे। आज का लेबर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे अब नाम दिया है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। यानी वो पहले इंस्पेक्ट करने से पहले आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको वो सारी सुविधाएं देगा जो आपको कंपनी या इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए होगा। सो इंस्पेक्टर इज नो मोर इंस्पेक्टर, व्हाट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। आगे बात करते हैं, एक टॉपिक आया है आज एथेनॉल को लेकर के। एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, याद होगा आपको, इथाइल अल्कोहल को लेकर के गवर्नमेंट ने प्रोग्राम, एथेनॉल को लेकर गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया हुआ है ब्लेंडिंग का। एथेनॉल ब्लेंडिंग गवर्नमेंट ने शुरू किया था बहुत कम टारगेट लेकर के। आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब का स्टेटमेंट आया है कि स्पेशल पुश फॉर एथेनॉल एज ए फ्यूल। ये एथेनॉल वही है जो इथाइल अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, और मिथाइल अल्कोहल से मरते हैं। याद करना बहुत सिंपल है, मरना है तो मिथाइल पियो, जीना है तो एथेनॉल पियो। एथेनॉल फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। आप सोचेंगे तो सारा का सारा एथेनॉल ही क्यों नहीं यूज कर लेते। एथेनॉल एक्चुअली विंटर सीजन में काम नहीं करेगा या कोल्ड स्टार्ट में काम नहीं करेगा, इग्निशन नहीं कर सकता एथेनॉल। एथेनॉल में ऑक्टेन और सीटेन नहीं होते पेट्रोल और डीजल की तरह। पेट्रोल और डीजल से याद आया, दो टर्म है, इन टर्म्स का नाम है सीटेन और ऑक्टेन। सीटेन डीजल में पाया जाता है, डीजल की क्वालिटी सीटेन से डिसाइड किया जाता है। बहुत आसान है याद करना, सी के बाद डी आता है हमेशा, उम्मीद है आप हमसे सहमत होंगे, सी के बाद हमेशा डी आएगा। तो सीटेन डीजल के लिए, ऑक्टेन पेट्रोल के लिए ओ के बाद पी आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये ट्रिक बिल्कुल पेपर प्रूफ ट्रिक है, मार्क्स फेचिंग ट्रिक है। अगर ऑक्टेन और सीटेन आ जाए कि कौन किससे रिलेटेड है, तो सीटेन डीजल का क्वालिटी और ऑक्टेन पेट्रोल का क्वालिटी डिसाइड करता है, ठीक है। एथेनॉल में ना तो ऑक्टेन पाया जाता है ना सीटेन पाया जाता है, बट एथेनॉल में जो कंबसनिंग पावर है, इंजन को चालू रखने का पावर है, वो मिलता है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे एथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम कर रही है। अभी जो टारगेट है गवर्नमेंट का हाल फिलहाल का, वो है कि 2025 तक, पहले ये 2023 था, अभी दो महीने पहले ये रिवाइज हुआ है, इस साल दो बार ये रिवाइज हो चुका है। 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना। पेट्रोल और डीजल का 80% होगा, 20% उसमें एथेनॉल होगा। और गडकरी साहब का करना है कि ऐसा करके हम 30,000 करोड़ रुपया बचा लेंगे। यानी 30,000 करोड़ का मतलब लगभग दो बार एयर इंडिया को खरीदा और बेचा जा सकता है। आज ही 18,000 में एयर इंडिया बिका है ना, 18,000 करोड़ में। तो गडकरी साहब कह रहे हैं कि 20% ब्लेंडिंग करके हम 30,000 करोड़ रुपया बचा लेंगे उसमें से। खैर ये डाटा 30,000 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% टारगेट है ब्लेंडिंग का 2025 तक। एथेनॉल 100% यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कोल्ड इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एथेनॉल, आप गन्ने की खेती होती है वहां से हमें मिलता है, ये एक बाई प्रोडक्ट है।
ना केवल डायरेक्ट फार्मर को फायदा होगा बल्कि बीच में जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे इन सबको फायदा होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिगार्डिंग एथेनॉल कि एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं EBP, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था जनवरी 2003 में, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है कंट्री में। और उस टाइम पे टारगेट रखा गया था केवल 5% का, 5% से 7% हुआ, 7 से 10 हुआ, और अब गवर्नमेंट का टारगेट है 20% 2025 तक। तो ये था एथेनॉल से रिलेटेड सारी जानकारी। इससे ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, अगर आप इतना समझ गए हैं तो ये मोर देन सफिशियंट है। आगे हम बात करेंगे एक पर्सन को, आज एक एक्ट है जिसका नाम है कोफेपोसा। ऐसे और भी एक्ट हैं, याद कीजिए, एक नाम है मीसा, कोफेपोसा, एक और नाम है मीसा। ये जितने भी सा हैं ये इंदिरा गांधी जी की देन है, 1971 से लेकर के 74 के बीच में, जिसके बाद इमरजेंसी पीरियड शुरू होता है। एक मासूम सी फीमेल बॉडी, फीमेल फेस दिख रहा है, स्वप्ना सुरेश नाम है इनका। हाई कोर्ट ने स्वप्ना सुरेश को, जिन्हें डिटेंड किया गया था कोफेपोसा के तहत, क्वेश्चन कर दिया है उसके डिटेंशन को। आपको याद है और होना चाहिए, हाई कोर्ट के पास रीट इशू करने का पावर है जिसमें वो डिटेंशन को क्वेश्चन कर सकती है। और आर्टिकल 22 हर एक इंडियन सिटीजन को, इंक्लूडिंग फॉरेन सिटीजन को, ये पावर देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि वो गवर्नमेंट से पूछे कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। व्हाई आई एम इन डिटेंशन इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 22। कोफेपोसा का रिलेशन सीधा सीधा आर्टिकल 22 से है, हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 से है जिसमें कि फंडामेंटल राइट को हाई कोर्ट डिफेंड करती है, सुप्रीम कोर्ट का 124 से और 32 से है आर्टिकल नंबर, जिसे कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसके तहत आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट PIL दे सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट से आपको अलग थलग किया जा रहा है। बात हमने कोफेपोसा की है। कोफेपोसा का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ये कोफेपोसा आया था 1974 में, कोफेपोसा आया था 1974 में, इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के पहले का टाइम है ये। और मीसा आया था 1971 में, जिसके नाम पे अभी राज्यसभा की एक सांसद भी है, मीसा भारती। उनके पिता श्री लालू यादव ने मीसा का नाम इसी एक्ट पे रखा था। ये 1971 में ही पैदा हुई थी जब मीसा लगा हुआ था। मीसा का मतलब है इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट से। इंदिरा गांधी जी ने वो एक्ट लगवाया था, उनको ऐसा लग रहा था कि इंटरनल बहुत ज्यादा डेंजर है कंट्री को। तो ये दोनों एक्ट आज भी पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स मैच में फिर से पूछे जा सकते हैं मैच करने के लिए ईयर वाइज। फर्दर जो नेक्स्ट टर्म है आर्टिकल 22, इनसे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। जब कभी बात आती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की और पब्लिक की, तो कहीं ना कहीं हम अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। मीसा, कोफेपोसा या किसी भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाए तो आर्टिकल 22 के तहत उसको पूरा अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से पूछे कि मेरा कसूर क्या है। ये आर्टिकल 22 उस पर्सन को पावर देता है। ये पर्सन जो स्वप्ना सुरेश हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फीमेल फेस इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। कोफेपोसा अपने आप में स्मगलिंग एक्टिविटी और फॉरेन एक्सचेंज, एक याद होगा फेमा एक और एक्ट है, फेमा 2003 का एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ये। फेरा और फेमा याद कीजिए, फेरा को मर्ज किया गया था फेमा में। तो फेमा भी इसी टाइप का एक्ट है, लेकिन वो स्मगलिंग को नहीं करता है रेगुलेट, और ये कोफेपोसा स्मगलिंग को भी रेगुलेट करता है। एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी जो मुंबई जैसे जगह पे हाजी मस्तान टाइप के गुंडे हुआ करते थे, उनके स्मगलिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए लाया गया था इनिशियली महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, बाद में सेंटर ने इसे एडॉप्ट किया। नाम ही है स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट।
ये उन तमाम स्मगलिंग एक्टिविटीज में प्रोविजन प्रोवाइड करवाते हैं जो इलीगल है। बात करेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल आज आरबीआई ने बहुत पहले एक सिक्योरिटी एक्विजिशन का प्रोग्राम लाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से पैसे लेने हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ देना होता है, ये हम सबको पता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही आरबीआई है तो वो जब चाहे जितने पैसे ले लेगी। जो गवर्नमेंट देती है पैसे लेने के लिए उसे हम सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। आरबीआई ने एक फीचर लाया था, उस फीचर का नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन। अगर इसे प्रोग्राम कहें तो इस प्रोग्राम का नाम है गवर्नमेंट सेक्टर एक्विजिशन प्रोग्राम, शॉर्टकट में इसे हम जीसैप बोलते हैं। ये आज के बिजनेस वाले पेज में मेंशन है। कल आरबीआई ने इसे सस्पेंड कर दिया गया। आरबीआई जो जीसैप लेकर आई थी कल इसे सस्पेंड कर दिया गया है। जीसैप का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर एक्विजिशन प्रोग्राम, और ये बहुत पहले की बात नहीं है, अप्रैल 2021 में लाया गया था इसे, कल के दिन 8 अप्रैल को। और आज कल यानी 8 अक्टूबर को इसे सस्पेंड कर दिया गया है। इस जीसैप के अंदर गवर्नमेंट बोरो करती है मनी, करती थी, अब तो ये जीसैप है ही नहीं, हटा दिया इसे। तो ये जीसैप और ऐसे वो तमाम टर्म्स लाइक आरबीआई का जो लिक्विडेशन मेथड है, बैंक रेट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गोयल साहब का कहना है कि एशियान एफटीए, एशियान से आपको 1967 याद आना चाहिए, 1967, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो। बाकी चीजें याद आए ना आए, 1967 जरूर याद आना चाहिए, एशियान फॉर्म हुआ था इस टाइम पे। आपको पता होगा एक एग्रीमेंट चल रहा था रसिप, इंडिया उससे बाहर हो गई है और तब से एशियान की तरफ फोकस हमारा काफी कम है। रसिप जो 2012 में शुरू हुआ था रीजनल कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक पे, इंडिया उससे बाहर हो गया है, बहुत सारे इश्यूज थे उसमें। आज गोयल साहब का डिमांड है कि एशियान एफटीए, एफटीए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे रीसेट करने की मांग की जा रही है। कुछ और जो न्यूज आर्टिकल्स हैं वो काफी मेंशन है पहले से ही, कुछ खास इसमें नहीं है जिसका नोट बनाया जाए। ताइवान, अब तक 3-4 दिन से लगातार हम रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मोसा स्ट्रेट इसी को बोला जाता है। एक टर्म आया है ईयू, यूरोपियन यूनियन। आप याद कीजिए यूरोपियन यूनियन 1993 में नवंबर 1 को फॉर्म हुआ था, 1993 नवंबर 1, 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। यूरोपियन यूनियन एक्चुअली 27 मेंबर कंट्री का एक यूनियन है। पर्टिकुलरली इसका टारगेट मार्केट को रेगुलेट करना है, वन मार्केट वन यूनियन इसका मोटो है। ये जो 27 कंट्रीज हैं ये हाल के दिनों में काफी पूछे गए, खास करके ब्रिटेन के जाने के बाद, पहले 28 हुआ करते थे, अब 27 रह गए हैं जब से यूके ने छोड़ा है। कुछ और चीजें यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपियन यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो यूरोपियन कमीशन कहलाता है। यूरोपियन कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन ये सबके सब जिसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे यूरोपियन पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में क्या रिलेशन है ये आपको डिफरेंशिएट मालूम होना चाहिए। अभी उर्सुला वांडर लेन करके एक फीमेल फिगर है, वो इसकी चीफ है यूरोपियन यूनियन की, ये भी हमें याद होना चाहिए। स्टेट पीसीएस का ये सब बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा जितने भी हैं सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके अब तक, तो कुछ खास आज के न्यूज में ऐसा नहीं है इन सब के अलावा। बट जो भी हमने डिस्कस किए इन पे
आप एक बार दो बार तीन बार इंटरवल के बाद ही सही, 7 दिन बाद 10 दिन बाद जब भी हो रिवीजन एक बार जरूर कर लें, नोट्स बना लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है पेपर में। ये मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।